दिमाग में लिए क्यों? जब उनको फोल्ड ही समझ में आता है तो हाथ डालता है क्यों? टेप उड़ गया, फ्रिज उड़ गई, पंखा उड़ गया, यहाँ तक के चार्जर भी उड़ गया, इसका पैसा कौन देंगे? छोटे छोटे बच्चे कुछ हो जाएगा तो उसके जिम्मेदार कौन? अरे घंटे में दो घंटे में, लेकिन आते नहीं। प्रहार टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है मुमरा के शील फाटा इलाके में, जो शाहिल अपार्टमेंट है यहाँ पर नाइस गार्डन के पास, यहाँ पर हम मौजूद हैं। आपको बता दें कि कल रात से जो है यहाँ पर बिजली गई हुई थी, कुछ तकनीकी खराबी थी, हालांकि इन लोगों ने टोरेंट पावर में इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन करीब 17 से 18 घंटे हो गए हैं अभी तक यहां पर लाइट नहीं आई थी। हम यहां जो महिलाएं हैं उनसे बात करते हैं कि टोरेंट के लोग जो यहां पर बनाने के लिए आए थे, क्या अब इनके घरों पर लाइट आई है या नहीं आई है? कितने घंटे इनके पास बिजली नहीं रही, आप लोग बताइए कि कब से ये लाइट गई हुई थी? ये तो फिलहाल आए दिन ये तकलीफ हम लोग को रहती है, तीन तीन दिन चार चार दिन लाइट नहीं रहती है। अभी 18-19 घंटे से लाइट नहीं है, अब ये लाइट आई है। हम लोग ने जब उनको कंप्लीट किए, बहुत मतलब बोले, रिक्वेस्ट किए तो चालू हुई है लाइन, लेकिन हम लोग को लाइट की इधर बहुत तकलीफ है। छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं इधर पे, हद से ज़्यादा हम लोग को लाइट की तकलीफ है। अच्छा, यानी अभी लाइट आ गई? हाँ, अभी जस्ट अभी आई है, 18 घंटे के बाद में अब लाइट आई है। कब लाइट गई थी? महीने भर में अगले कल शाम को गई थी, 7:30 बजे कल शाम को गई थी। इतना टाइम क्यों लगा? आप लोगों ने कल शिकायत नहीं की थी? हमारी बात सुनते नहीं है, हम लोग फोन कर करके थक गए, फोन उठाते नहीं, उठाएंगे तो भी बात करते नहीं है, कोई आता नहीं इधर लाइट के लिए। इसके पहले भी क्या लाइट की यहाँ पर ऐसे समस्या थी क्या? हमेशा से यही प्रॉब्लम वाले आए, जब से ज्यादा ही हो गया, जब से ये टोरेंट वाले आए जब से बहुत ज्यादा ही हो गया। वो इधर पे नहीं, हर जगह पे हो गया मेरे ख्याल से, आपको पता ही होगा। लेकिन वो आए जब से कोई मतलब रिप्लाई नहीं है, किसी का रिस्पॉन्स ही नहीं होता कि कुछ हो गया। बोलते क्या फोन करने पर, बोलते क्या? ऐसी भी जानकारी मिली कि वो काफी देर से यहाँ पर बनाने के लिए आए थे, लेकिन उन लोगों को फोल्ड ही नहीं मिल रहा था कि कहाँ खराब है, कहाँ नहीं खराब। काम पे क्यों रखे? जब नहीं समझ में आता है तो जिसको हाँ तो हाथ में लिए क्यों? जब उनको फोल्ड ही समझ में आता है तो वो हाथ डालता है क्यों? लाइन भी ऐसा ऊपर डाल दिए, छोटे छोटे बच्चे कुछ हो जाएगा तो उसके जिम्मेदार कौन? बहुत छोटे छोटे बच्चे, एक एक घर से तीन तीन दो दो बच्चे, पहले तो पूरी लाइन ऐसा ऊपर डाले ले। लॉकडाउन की वजह से बच्चे लोग घर में रहते, टीवी का रिचार्ज तो मतलब ही नहीं है, टीवी का रिचार्ज डालो तीन तीन दिन लाइट ही नहीं रहती है, वो वेस्ट हो गया। बच्चे लोग करेंगे मोबाइल के लिए चिल्लाते, मोबाइल मतलब लाइट जाएगी, लाइट का आए दिन मतलब टेंशन ही रहता है कि अब जाए लाइट तब जाए लाइट, लाइट का ऐसा कोई सुकून नहीं। घर का पूरा सामान उड़ गया, टीवी उड़ गई, टेप उड़ गया, फ्रिज उड़ गई, पंखा उड़ गया, यहाँ तक के चार्जर भी उड़ गया, इसका पैसा कौन देंगे? टोरेंट वाले से कैसे खराब कैसे हुआ? लाइट एकदम अचानक बहुत आती और फिर चले जाती, पावर ऐसा आता और पूरा घर का कितने जन का सामान उड़ गया, उनका तो एक एक साथ पूरे घर का सामान उड़ गया, तो पूरा चारों चीजें ब्लास्ट हो गया है। ये हमेशा का प्रॉब्लम है, ये हमेशा का प्रॉब्लम है, इसका क्या सलूशन है वो आप लोग ही बताइए। लाइट जाने के बाद आप लोग जब कंप्लेन करते हैं, फोन करते हैं, तो उधर से रिप्लाई क्या आता है, क्या जवाब देते हैं वो लोग? वो निचले उठा, अरे एक घंटे में दो घंटे में, लेकिन आते नहीं। अरे हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं, हम लोग इधर काम कर रहे हैं, हम लोग बिजी है, मगर कोई आता नहीं है, फोन उठाते। कल 7 बजे लाइट गई थी, आप लोगों ने कब शिकायत की? कल 7 बजे जाने के बाद 7:45 बजे कुछ इनके आदमी ने किए थे, उनका नाम सलीम है। उनके बाद उन्होंने दूसरों को भी नंबर दिए थे, उनसे नंबर लेके और भी जन करे, उसके बाद भी कोई। ये लोग बनाने के लिए कब आए? सुबह 11:30 बजे हमारी बिल्डिंग में रोज़ का है, रोज़ जाती है, और कंप्लेंट करने के बाद 12 घंटा तो लग जाता है बनने के लिए। तो आपने सुना कि जिस तरह से ये शील फाटा का एरिया है और साहिल अपार्टमेंट है, यहाँ पर कल शाम को 7 बजे के आसपास में बिजली गई थी, लेकिन शिकायत करने के बाद आज जब टोरेंट के कर्मचारी आए तो वो काफ़ी देर तक परेशान थे, फोल्ड कहाँ है, उनको फोल्ड ही नहीं मिल रहा था। लेकिन अब जब हम यहाँ पर पहुँचे, उसी दरमियान जो है अब लाइट भी आ चुकी है। बहरहाल इन महिलाओं का कहना है कि शिकायत करने के बाद भी कभी फ़ोन उठाया जाता है, कभी फ़ोन नहीं उठाते, और वहाँ से कुछ इनको संतुष्ट भरा जवाब नहीं मिलता है। कैमरामैन सलमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।